नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिग्विजय और स्वागत है आपका द एनिमल कॉर्नर पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ज़्यादा कॉमनली पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में, जो कि है कि एक डॉग जो है घास क्यों खाता है। जब कोई भी इंसान एक डॉग को घास खाते हुए देखता है तो बहुत ज़्यादा अचंभित हो जाता है, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है कि एक डॉग जो कि एक कार्निवरस एनिमल है, जो मांस के साथ साथ कुछ शाकाहार भोजन भी करता है, वो पूरी तरीके से एक हर्बीवोरस एनिमल जैसे कि काऊ या भैंस इनकी तरह बिहेव क्यों कर रहा है, घास क्यों खा रहा है। कई बार लोग जो है अपने डॉग को जब घास खाते हुए देखते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि डॉग जो है हमारा वो घास क्यों खा रहा है। इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं जो कि मैं आपको वीडियो में आगे दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को आखिर तक देखें और सारे रीजंस को जानें और देखें कि आपका डॉग जो है घास क्यों खाता है। कई सारे डॉक्टर्स जो हैं एनिमल्स के, कई सारे वेट जो हैं, उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा नेचुरल फिनोमेना बताया है। जब एक डॉग घास खाता है तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन बिहेवियर है डॉग्स का। डॉग्स के साथ साथ जो है कई सारे एनिमल्स जो हैं घास का सेवन करते हैं, घास खाते हैं, जैसे कि बिल्ली, टाइगर, लायन। तो जब आप किसी जानवर को घास खाते हुए देखें तो इसमें आश्चर्यचकित होने वाली कोई बात नहीं है, ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन फिनोमेना है। जब एक डॉग या फिर कोई दूसरा एनिमल कुछ ऐसी चीज़ खा रहा है जो उसके खाने के लिए नहीं बनी हुई है, जैसे कि यहाँ पर हमारा डॉग जो है वो घास खा रहा है, तो जब ऐसी चीज़ों का कोई भी जानवर सेवन करता है तो उस चीज़ को एक टेक्निकल टर्म से संबोधित किया जाता है जिसको कहते हैं पिका। कुछ सालों पहले एक स्टडी कंडक्ट की गई थी 49 डॉग्स के साथ, जिसमें उन डॉग्स को जो है कुछ समय तक या कुछ दिनों तक एक घास वाली फील्ड में उनको घुमाते थे उनके ओनर्स, जिससे कि पता लगा कि जो 49 डॉग्स में से 79% डॉग्स जो थे वो सभी के सभी घास खाते थे। अब इस स्टडी के बाद ये पता लगा कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है अगर आपका डॉग घास खाता है, जो कि एक बहुत ज़्यादा कहें कि नेचुरल फिनोमेना है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपका डॉग जो है वो क्यों घास खाता है। तो इस चीज़ के पीछे कई सारे रीजंस हैं, मगर जो लोगों में एक मेन रीज़न जो है वो फैला हुआ है वो ये है कि जब एक डॉग जो है वो फील गुड नहीं करता है, उसको अच्छा नहीं लगता है, तो वो घास खाता है और फिर उसके बाद वॉमिट करता है, जिससे कि उसको फिर गुड फीलिंग आना शुरू हो जाती है। ये कई लोगों का मानना है, कई हद तक ये ठीक भी है। इंसानों के साथ भी ऐसा होता है कि जब आप वॉमिट करते हैं तो आपको थोड़ा अंदर से अच्छा फील होता है, मगर ये एक प्रूवन रीज़न नहीं है। कुछ प्रूवन रीजंस हैं जिसके बारे में आपसे बात करता हूं मैं। पहला तो ये है कि उसको इनडाइजेशन हो रहा है। अब अपने डॉग को जब कुछ खाना देते हो तो उसको कई बार इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, जिसके चलते वो घास खाता है और अपनी प्रॉब्लम का निवारण खुद कर लेता है। दूसरा रीज़न ये है कि जब आप अपने डॉग को खाना देते हो, चाहे आप उसे मीट दो, चाहे आप उसे बाहर का खाना दो जैसे कि पेडिग्री होगा या फिर कोई भी कंपनी हो गई, और कुछ लोग जो है अपने घर का बना हुआ खाना जैसे कि रोटी हो गई, दूध हो गई, ये सब चीज़ें अपने डॉग को खिलाते हैं, जिसके चलते उसका जो फाइबर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती है। अब इस चीज़ के बाद डॉग जो है अपने फाइबर की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए घास की सहायता लेता है, क्योंकि घास जो है फाइबर का एक बहुत अच्छा सोर्स माना जाती है। अब जब वो घास खाता है तो उसके फाइबर की कमी जो है पूरी हो जाती है, जिसके कारण उसका डाइजेशन भी ठीक हो जाता है और उसके फाइबर की कमी भी खत्म हो जाती है। तीसरा रीज़न ये है कि जब उसे पूरी तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। अब अपने डॉग को जो खाना देते हैं उसमें कई सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसे नहीं मिल पाते हैं, उस चीज़ की पूर्ति करने के लिए वो घास खाता है, जिससे उसे सारे न्यूट्रिएंट्स आसानी से मिल जाते हैं। अब एक और रीज़न है जो है उसके पेट में वर्म्स पड़ जाते हैं, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो डॉग्स को या फिर दूसरे एनिमल्स को भी आसानी से पेट में पड़ जाते हैं, कई बार ये ह्यूमंस में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो डॉग जो है घास खाता है, जो कि एक एज अ मेडिसिन उसके ऊपर वर्क करती है, जिसके चलते उसके पेट में जो पड़े हुए कीड़े हैं वो मर जाते हैं और वो अपनी समस्या का निवारण खुद ही कर लेता है। एक रीज़न ये भी है कि डॉग जो है वो कई बार घास के टेस्ट के लिए भी उसे खाता है। कई डॉग्स में देखा गया है कि वो जब सब कुछ फाइबर भी सब कुछ मिल रहा था उन्हें न्यूट्रिएंट्स भी सारे मिल रहे थे, ना ही उन्हें इनडाइजेशन की प्रॉब्लम थी, फिर भी वो घास का सेवन कर रहे थे। तो फिर बाद में पता लगा कि वो घास का टेस्ट जो है वो उस डॉग को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा, तो वो धीरे धीरे एज अ टेस्ट बूस्टर घास को खाने लगे। कुछ डॉग्स पर एक स्टडी कंडक्ट की गई जिसमें उन्हें कुछ दिनों तक एक हाई फाइबर डाइट पर रखा गया, जिसके बाद देखा गया कि जो डॉग घास खाता था उसने घास खाना बंद कर दिया, क्योंकि उसे पूरी तरीके से फाइबर मिलने लगा। तो ये यहाँ से प्रूफ हुआ कि डॉग जो है वो अपने फाइबर की पूर्ति करने के लिए घास खाते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो डॉग है अगर आपका घास खा रहा है तो आप उसे रोकें या ना रोकें। वैसे तो अगर आपका डॉग घास खाता है तो इसमें कोई हार्मफुल चीज़ उसके साथ होने वाली नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन फेनोमेना है। तो फिर भी अगर आप इसे रोकना चाहते हो तो पहले इस चीज़ का पता लगाओ कि वो घास क्यों खा रहा है,
क्या वो फाइबर की कमी के कारण खा रहा है, या फिर न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण खा रहा है, या फिर डाइजेशन की डाइजेशन उसका खराब है इसलिए खा रहा है। तो अगर इनडाइजेशन है तो उसे आप मेडिसिन प्रोवाइड करें, फाइबर की कमी है तो फाइबर दें, न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो उसे अच्छा खाना खिलाएं जिससे उसकी न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो जाएगी, तो वो घास ऑटोमेटिक खाना बंद कर देगा। कई बार देखा गया है कि डॉग जो है वो बोर्डम के चक्कर में भी खाना घास खाना शुरू कर देता है। तो जब आप अपने डॉग को देखो कि वो घास खा रहा है तो उसे एक्सरसाइज करवाओ, उसे वर्कआउट करवाओ, उसे खेलने के लिए लेकर जाओ, तो वो घास खाना अपने आप बंद कर देगा। और अगर फिर भी नहीं करता है, किसी भी जो भी आपने सारी चीज़ें कर देख ली और घास खाना बंद नहीं कर रहा है तो खाने दो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि अपने लॉन में जहाँ पर आप उसे घुमाते हैं, जहाँ पर घास लगी हुई है, उसमें किसी भी तरीके के पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना करें, कोई भी दवाई ना डालें, क्योंकि जब आप दवाई डालेंगे वो दवाई वाली घास आपका डॉग खाएगा तो सीधी सी बात है उसके पेट में तकलीफ होगी या उसे कोई भी बीमारी हो सकती है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। तो ये थे कुछ बहुत ज़्यादा कॉमनली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के जवाब। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बस पॉज कर यार। तो दोस्तों ये थे कुछ बहुत ज़्यादा कॉमनली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के जवाब।